हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हम लोग 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आइए बिना समय को ख़राब किए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारूपीय, द्रविण, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। इसका राइट आंसर ए है, हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। अगला है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। इसका राइट आंसर ए है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृति से। इसका राइट आंसर ए है, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये टॉपिक जिस भी एग्जाम में आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अगर इससे बाहर आएगा तो कमेंट कीजिएगा इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। इसका राइट आंसर डी है, तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में या तकनीकी भाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर काव्य भाषा के रूप में? तो इसका राइट आंसर है डी, काव्य भाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा या राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो इसका राइट आंसर ए है, राजभाषा। हिंदी जो है ये आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की? इसका राइट आंसर है बी, ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला। इसका राइट आंसर डी है, ब्रजबोली नाम से पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। इसका राइट आंसर सी है, मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? इसका ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर पाली। तो संस्कृत का अपभ्रंश जो है वो पाली है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, प्रतिलिपि या ब्राह्मी लिपि से? इसका राइट आंसर है डी, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? इसका राइट आंसर सी है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? इसका राइट आंसर ए है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? तो इसका राइट आंसर ए है,
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम में हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? राइट आंसर डी है, बघेली हिंदी की बोली नहीं है पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन है 343 से 351 तक, अगला है 4 से 34 से 3 से 15 तक, 434 से 135 तक, 334 से 153 तक। इसका राइट आंसर ए है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 से लेकर 351 तक है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई या फिर मैसूर में। इसका राइट आंसर क्या है कमेंट कीजिएगा आप लोग, चेन्नई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी? ऑप्शन बी है प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली। सी है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत हिंदी। डी है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। इसका राइट आंसर ए है, इसका सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा। डी है हिंदी के लिए निर्देश, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका राइट आंसर डी होगा। डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो इसका राइट आंसर बी है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? इसका राइट आंसर डी है, मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। इसको आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, अर्धमगधी, शौर सैनी, ब्राचंड? इसका राइट आंसर सी है, हिंदी खड़ी बोली शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर डी है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? इसका राइट आंसर बी है, बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी के उपभाषा से है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। इसका राइट आंसर सी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बो रोयान। इसका राइट आंसर ए है, जीबी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन है 14, 15, 18 या 22। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 हैं। हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका राइट आंसर संस्कृत होगा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। अगला क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल था। ऑप्शन है नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर बी है, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। इसका राइट आंसर सी है, मलयालम जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर बी है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी अर्थ या अवहट। तो इसका राइट आंसर ए है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का युग्म है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली बुंदेली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, खड़ी बोली और बुंदेली। अगला क्वेश्चन है, अर्धमगही अपभ्रंश से विकसित बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रज भाषा या फिर भोजपुरी। इसका राइट आंसर बी है, अर्धमगही अपभ्रंश से विकसित जो बोली है वह बघेली है। देवनागरी लिपि का सही क्रम है? ऑप्शन है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। बी है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी लिपि। सी है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। डी है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि। इसका सी जो है ये राइट है। इसका जो लिपि का सही क्रम है, पहले ब्राह्मी लिपि है, फिर गुप्त लिपि है, फिर नागरी लिपि है, फिर देवनागरी लिपि है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र से हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रज भाषा, अवधी। इसका राइट आंसर डी है, अवधी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन है अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, लोकभाषा, संपर्क भाषा या फिर राजभाषा।
तो इसका राइट आंसर डी है, राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, बी भाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को? तो इसका राइट आंसर बी है, बी भाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं। हम बार बार नहीं बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। जिस भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, अगर ना आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और क्लास कैसी लगी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है? ऑप्शन है राजभोग का सपना, उदय भानचरित, सभा विलास या फिर माधव विलास? तो इसका राइट आंसर बी है कि इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदय भानचरित है। अगला क्वेश्चन है, 1950 में संविधान लागू होने की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर बी है, 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन है 343, 348, 349 या 351? तो इसका राइट आंसर डी है, 351। अगला क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवे रहीं, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कही, दादा धन माँ जवन हमार लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ऑप्शन है भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या फिर खड़ी बोली? तो इसका राइट आंसर सी है, अवधी। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों के से 45 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं और आप लोगों को सेशन कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसी तरीके का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा। हम हर टॉपिक से 50 से 60 क्वेश्चन का आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में।